साउथ कोरिया के हाउसियांग में 1986 से लेके 1991 तक ली चुनजे ने 30 से भी ज़्यादा बलात्कार और 14 मर्डर किए। पुलिस ने 30 साल तक असली मुजरिम के बदले में एक निर्दोष को उम्र कैद का सजा सुनाया। इस केस में 20 लाख पुलिस, 20,000 सस्पेक्ट और 40,000 लोगों के फिंगरप्रिंट लिए गए, 600 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए, 200 लोगों के हेयर सैंपल भी लिए गए। ये कहानी है साउथ कोरिया के जोडिया किलर ली चुन जे की। 15 सितंबर 1986, जियोंग साउथ कोरिया। एक 74 साल की महिला का डेड बॉडी पुलिस को मिला, जिनको पहले रेप करने के बाद गला दबा के मारा गया था। मर्डर के बाद लाश के मुंह में उनके अंडरगारमेंट्स भर दिया गया था। इस घटना के एक महीने बाद 25 साल की एक लड़की की डेड बॉडी पुलिस को मिला, जिसको पहले की जैसे ही रेप करने के बाद मार दिया गया था। सेम पैटर्न फॉलो करते हुए पुलिस को 14 डेड बॉडी मिला था। हर एक लड़की का उम्र 14 साल से लेकर 75 साल के बीच में था। सभी को पहले रेप करने के बाद गला दबा के मारा गया था और सभी के मुंह में उनके अंडरगारमेंट्स भरा गया था। पुलिस को पता चला पहले मर्डर के बाद बाकी सारे मर्डर शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हुआ। सभी मर्डर्स 6 किलोमीटर के रेडियस में ही हुआ और मर्डर के बाद सभी महिलाओं ने रेड ड्रेस पहना हुआ था। पुलिस अपने सभी महिला ऑफिसरों को रेड ड्रेस में 6 किलोमीटर के रेडियस में फैला दिया, मगर 6 किलोमीटर के अंदर कोई भी मर्डर नहीं हुआ। कुछ दिन बाद दोबारा से एक मर्डर होता है, मगर इस बार मर्डर 6 किलोमीटर के रेडियस के बाहर हुआ था। पुलिस को समझने में और देर नहीं लगा, ये सीरियल किलिंग का मामला ही है। दिन बीतते गए मगर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। जुलाई 27, 1989, पुलिस योंग सोंग को अरेस्ट करता है। 8वां विक्टिम के पास से पुलिस को एक हेयर सैंपल मिला था, जिसके साथ योंग सोंग का हेयर सैंपल 40% मैच करता है। पुलिस योंग सोंग को कातिल मान लिया था और उसे टॉर्चर करके उसका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर लिया। कोर्ट ने योंग सोंग को उम्र कैद का सजा सुनाया। 2009 में 19.5 साल बाद सजा काट के योंग सोंग बाहर आया। इस समय पुलिस सीक्रेटली इस केस के ऊपर काम करने लगे। सारे एविडेंस और सस्पेक्ट लिस्ट पुलिस अपने डेटाबेस में चेक करने के बाद उनका नज़र पड़ा ली चुंग के ऊपर। ली चुंग मिलिट्री मैंडेटरी सर्विस खत्म करने के बाद एक कंस्ट्रक्शन साइट में क्रेन ड्राइवर था। सितंबर 1918 में एक घर पे चोरी करते हुए ली पकड़ा गया। बाद में कोर्ट में अपील करने के बाद 1990 में कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया। जेल में रहते हुए ली का वाइफ और बच्चे ली को छोड़ के जा चुका था। जेल से रिहाई के बाद 1993 में एक दिन ली का मुलाकात उसके सिस्टर इन लॉ से रास्ते में हुआ। ली उसको पहले ड्रग्स दिया, ड्रग्स के नशे में ही उसे रेप किया और गला दबा के मार के पास के एक नाले में फेंक दिया। ली अपने फादर इन लॉ के साथ खुद ही पुलिस स्टेशन जाके अपने सिस्टर इन लॉ का मिसिंग रिपोर्ट लिखाया। पुलिस के छानबीन में सारे सबूत ली के खिलाफ ही था। पुलिस ली को अरेस्ट करता है और ली भी अपने सारे जुर्म कबूल करता है। कोर्ट ने उसे मौत का सजा सुनाया। बाद में उसको उम्र कैद में तब्दील किया गया था ली के अच्छे बिहेवियर के चलते। दिन बीतते बीतते 2009 आ गया था, ली पेरोल में छूटने वाला था। दूसरी तरफ 1986 में सीरियल किलिंग मामले में काम करने वाले एक ऑफिसर ली के डीएनए सैंपल और उस केस के विक्टिम से मिले मर्डरर के डीएनए सैंपल से मैच किया। 5 लड़कियों के पास से मिले डीएनए सैंपल से ली का डीएनए मैच कर गया था। इस केस में कातिल को ढूंढने के लिए 20,000 से भी ज्यादा पुलिस को अपॉइंट किया गया था। 21,000 सस्पेक्ट को भी क्रॉस चेक किया गया था। 40,000 लोगों के फिंगरप्रिंट लिया गया था। 570 लोगों के डीएनए सैंपल को टेस्ट किया गया था। 180 लोगों के हेयर सैंपल भी लिया गया था। कानूनन ली 15 साल जेल में बिता चुका था और उसे और सजा देना मुमकिन भी नहीं था, और पुलिस पहले ही एक निर्दोष को इस केस में सजा सुना चुका था। उस समय ली बुजन के एक जेल में उम्र कैद का सजा काट रहा था। ऑफिसर ने बहुत बार ली से मुलाकात की, मगर ली हमेशा ही मना करते रहा। आखिर में ली मान लिया था, 5 नहीं बल्कि 14 मर्डर किया था। और ली ने कहा, मिलिट्री सर्विस में रहते हुए कुछ सीनियर ऑफिसरों ने मुझे फिजिकल असॉल्ट किया और मेरे जेल से निकलने के पहले मेरे वाइफ ने मुझे छोड़ दिया था। मैं फ्रस्ट्रेशन में और अपनी इम्पोर्टेंस सबको बताने के लिए 14 मर्डर और 30 से भी ज़्यादा रेप किया। ली ने आखिरकार कोर्ट में अपने सारे जुर्म कबूल किया और योन को सारे आरोपों से मुक्त किया गया। योन ने कोर्ट में जाके कहा, मुझे ज़बरदस्ती सारे जुर्म कबूल करवाया गया, मैं बेकसूर हूँ। कोर्ट ने उस समय सारे ऑफिसर्सों को सस्पेंड किया और उनके ऊपर ट्रायल चलाया। ली उम्र कैद का सजा काट रहा था और उसे और सजा देना मुमकिन नहीं था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये कोरियन पुलिस की नाकामी थी या फिर सच में ली को पकड़ना इतना ही मुश्किल था? आपका राय आप हमें कमेंट में दें और ऐसे ही अनसुने क्राइम स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए इनह्यूमंस को।